Good morning all our listeners and viewers. So today we are back with another video, informative video. We'll talk about infestation, pet mein keede. So I'm back, aapki apni pediatrician, Dr. Prabjeet, working as a senior consultant pediatrician at Healing Hospital Sector 34, Chandigarh. कीड़े क्यों होते हैं, किस तरह के, कितने तरह के होते हैं, इनके सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे, मैं कौन सी दवाई दूं और क्या करूं ऐसा कि बच्चे के पेट में कीड़े ना हो, तो आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज इन दिस फॉर्मेट. सबसे पहले, व्हाट आर द कॉजेस? सो ये जो कीड़े हैं ये हमारे अंदर कैसे प्रवेश करते हैं? अगर हम कोई भी खाना जो ढंग से साफ किया नहीं है या धुला नहीं है, गंदे हाथों से खा लेते हैं, या जो पूरी तरह से पका नहीं है, जैसे कच्ची सब्जियां जो अच्छी तरह से धुली हुई नहीं है, बिलीव मी, आपने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत लंबे लेंथ वाइज कीड़े भी बच्चों के पॉटी में निकलते हैं, एंड दिस कैन इवन लीड टू अ कॉम्प्लिकेशंस लाइक ऑब्स्ट्रक्शन तक हो सकती है, इतना बंच भी होता है कभी कभी. ये कीड़े ना तो सिर्फ पेट में, बट कुछ ऐसे भी कीड़े हैं जो हमारे दिमाग में या हमारे मसल्स में भी घर कर जा सकते हैं. सो इनके सिम्टम्स क्या होंगे? अगर यही कीड़ा घर कर जाए, जिसको हम न्यूरोसिस्टिसरकोसिस भी कहते हैं, हमारे दिमाग के किसी एरिया में घर कर जाता है, तो उसको ब्रेन में एक रसौली की तरह, माने एक गांठ की तरह बन जाता है. उसमें बच्चे को दौरे आने तक के भी सिम्टम्स हम देखते हैं. अगर किसी मसल में ये अपनी जगह बना ले या लिवर में अपनी कहीं जगह बना ले, तो वहाँ एक थैली की तरह, पानी की थैली की तरह भर जाते हैं, एंड विच कुड बी डेंजरस टू लाइफ एज वेल. मसल में भी एक गांठ की तरह है जो बच्चे को मूवमेंट में, उसकी डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं. बट जो यूजुअली बात की जाती है घरों में कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, वो ये समझाया जाता है कि इन्फेस्टेशन है, माने बच्चा ढंग से खा नहीं रहा है और पेट में कीड़े हैं या पॉटी में कीड़े देखे जाते हैं. सिम्टम्स में और कॉमन सिम्टम्स हैं, बच्चे का भूख ना लगना, उसका वजन ना बढ़ना, खाना खाते हुए नौजिया माने वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आना, खाना खाते ही साथ के साथ पॉटी आ जाना, और अगर मदर ने फ्रैंक कीड़ा देखा है तो. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट की बात करें तो हर जगह का जैसे जैसे लक्षण है उस हिसाब से, जिस तरह का कीड़ा है बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं, और मोस्ट प्रॉबेबली जो और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ की जाती है वो एल्बेंडाजोल है, जो ना कि हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स अपने बच्चों को एक साल के बाद देते ही देते हैं, रादर ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें सभी बच्चे जो आंगनवाड़ी में जाते हैं या स्कूल्स में हैं उनको भी ये रेगुलर बेसिस पे दी जाती है. एल्बेंडाजोल एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इन्फेस्टेशंस के लिए हेल्पफुल है, बट देन ये सब तरह की इन्फेस्टेशंस को कवर नहीं करती है. सो डिपेंडिंग अपॉन योर साइंस एंड सिम्टम्स, सिर्फ एक एल्बेंडाजोल ही नहीं, बाकी और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपके पीडियाट्रिशंस आपको प्रिस्क्राइब कर सकें. फॉर दैट मैटर यू गो एंड टॉक टू योर पीडियाट्रिशन. हाउ टू प्रिवेंट दिस? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी कारण क्या है, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है हाइजीन. हाइजीन नॉट ओनली योर हैंड हाइजीन, मतलब हाथ धोना, बट ऑल्सो द फूड हाइजीन. खाना अच्छे से, जो भी आप सब्जियां, फल फ्रूट खा रहे हैं, जो कच्ची फॉर्म में खा रहे हैं, उनको अच्छे से धोएं, उसको काफ़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखें, सो दैट अगर ऐसा कुछ है तो वो क्लीन हो जाए या फिर रिमूव हो जाए. बहुत सारे आजकल केमिकल्स भी अवेलेबल हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की क्लीनिंग के लिए, और क्लींजर्स भी अवेलेबल हैं, सो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अगर आप नॉन वेज या चिकन या मीट खाते हैं, तो एक तो जहाँ से भी आप प्रोक्योर कर रहे हैं, माने खरीद रहे हैं, उस जगह का हाइजीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब आप बना रहे हैं उसको, तो अच्छे से धोकर, गर्म पानी में धोकर फिर बनाएं, एंड प्रॉपरली कुक करें. हाफ कुक्ड और पार्शली कुक्ड कैन ऑल्सो लीड टू कॉम्प्लिकेशंस. अगर आपके बच्चे को अबव मेंशन, जो मैंने पहले बताए, कोई भी सिम्टम है, तो गो एंड आस्क योर पीडियाट्रिशियन. आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव. फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हो, यू कैन आस्क अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो. थैंक यू.